रचनाएं लिखी है ना, तो उनका नाम क्या है, काफी सफल हो गया, सब उनको जानने लगे, क्योंकि कुछ अलग हटके कुछ लिखा जाए तो सभी, मतलब सभी उनको पसंद करते ही हैं, है ना। तो इस प्रकार से उनका नाम क्या है, बहुत प्रसिद्ध होने लगा। इस आंदोलन के बीच प्रकाशित प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उन्नत साहित्यिक उपलब्धियां स्वरूप उन्हें पहल सम्मान से भी अलंकृत किया गया, ठीक है। उनको जो सम्मान मिला था वो क्या था, पहल सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब देखिए उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। पहला है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में कोसी का घटवार, सात के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ठीक है। ये इनकी क्या है, कहानी संग्रह है, कहानियां हैं, ठीक है। और दूसरा है शब्द चित्र संग्रह। शब्द चित्र संग्रह जिसमें है एक पेड़ की याद, ठीक है। आगे देखिए शेखर जी प्रसिद्ध कहानी वाजियो में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। उनकी जो कहानी थी इतनी अच्छी थी, बच्चे के ऊपर थी, कि इतनी पसंद आई कि उस पर फिल्म बनेंगे, है ना, फिल्म का निर्माण हुआ। साथ ही इनकी कहानियों का भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त जो उनकी कहानियां था, लोगों ने उनको इतना अधिक पसंद किया थी, इतना अधिक पसंद किया कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त उनकी इसमें अंग्रेजी, रूसी, पोलिया सॉरी पोलिश, है ना, इत्यादि भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है। यानी उनकी भाषा, उनके जो हिंदी में तो है ही है कहानियां, लेकिन साथ ही साथ में अंग्रेजी में, रूसी में और पोलिश, इन भाषाओं में अनुवाद हुआ, ठीक है। अब देखिए साहित्यिक परिचय। आपकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं, है ना। इनकी जो कहानियां थी, नई कहानी जो ये कहानी का नाम है ना, नई कहानी आंदोलन, ये इनका क्या था, ये प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका आपकी लेखनी का प्रमुख विषय था। उनका विषय क्या था, वो किन पर रचनाएं लिखते थे, जो मेहनतकश व्यक्ति है, मेहनतकश तबके का व्यक्ति है, जैसे मजदूर व्यक्ति है, मतलब गरीब प्रकार का व्यक्ति है ना, और जो जिनके पास सुविधाओं की कमी थी उन पर उन्होंने कहानियां लिखी। किसने, शेखर, जो हमारे लेखक है ना शेखर जोशी, उनका विषय क्या था, वो किन पर कहानियां लिखते थे, जो मेहनत कर, जो खूब मेहनत करते थे और उनके पास सुविधाओं की बहुत कमी थी, उनको, उनके ऊपर उन्होंने कहानियां लिखी है, ठीक है। सहज सरल आडंबरहीन भाषा शैली में सामाजिक यथार्थ का चेतन आपकी कहानियों की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। उनकी कहानियों का क्या क्या विशेषता थी, सहज सरल और आडंबरहीन, यानी दिखावटीपन बिल्कुल नहीं था, जो यथार्थ समाज में जो यथार्थ हो रहा है उसका ही चित्रण उनकी कहानियों में मिलता था, ठीक है। आपकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध के योगदान स्वरूप आपके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को न केवल समझना अपितु महसूस करना भी सहज है। उन्होंने क्या किया था, महसूस किया था, तभी तो वो उन्होंने मेहनतकश व्यक्तियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में उन्होंने जाना, बारीकी से उन्होंने महसूस देखा, और जब उन्होंने महसूस किया तभी तो वो कोई लिख पाएगा ना। जब तक हम उस पर एकदम गहराई से, उसको हम गहन अध्ययन से नहीं देख सकते हैं, तब तक हम उसके बारे में हम कुछ भी लिख नहीं सकते, है ना। तो हमारे जो शेखर जोशी है लेखक, उन्होंने क्या थे, मध्यम वर्ग की जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बारे में गहन अध्ययन किया, उनके बारे में देखा, उनके बारे में जाना, उनकी जो तकलीफें हैं, उनकी जो बिल्कुल सुविधाएं नहीं है, फिर भी बेचारे लोग जीते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी उनको मेहनत का सही, उनको सही पैसा नहीं मिल पाता था, तो उन व्यक्तियों के बारे में उन्होंने बहुत कहानियां लिखी। उनका प्रमुख विषय वही था, गरीब तबके के लोगों के बारे में, ठीक है, और उन्हीं के बारे में उन्होंने अपनी कहानियां
लिखिए, ठीक है। अब देखिए आगे, गलता लोहा कहानी का केंद्रीय भाव, जो अपन का जो ये कहानी है उसका नाम क्या है, गलता लोहा, है ना। इस कहानी का केंद्रीय भाव यानी उसका मुख्य भाव क्या है वही बताया गया है। देखो, शेखर जोशी रचित गलता लोहा कहानी में कहानीकार ने बिना किसी मुखर टिप्पणी के समाज के जातिगत विभाजन पर विभिन्न कोणों से प्रकाश डाला है। एक मेघावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन, ये गलता लोहा का नायक कौन है, मोहन, जो कि कौन है, एक मेघावी यानी बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, पढ़ने वाला विद्यार्थी है, किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक, वो कौन सा है, किस जाति का है, ब्राह्मण है वो युवक, है ना, किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों और परंपराओं को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं अपितु तो उसके लोहारी काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। साथ ही मोहन का व्यक्तिगत जातिगत आधार पर निर्मित मिथ्या एवं बनावटी भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की स्वाभाविक प्रस्तावना स्वरूप प्रतीत होता है, मानो लोहा गल का एक नया आकार ले रहा है। यानी हमारे जो लेखक है शेखर जोशी, उन्होंने किसके बारे में लिखा है, जो गलता लोहा कहानी है वो कौन है, किसके ऊपर लिखी गई है, मोहन के ऊपर लिखी गई है। मोहन क्या है, एक युवा विद्यार्थी है, मेघावी है, बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है, ब्राह्मण जाति का है वो, लेकिन वो क्या है, गरीब है, है ना। तो वो गरीब है तो उसकी गरीबी के कारण वो क्या कर देता है, वो लोहार के यहाँ भी काम करने लगता है, ठीक है। और क्योंकि वो ब्राह्मण था, उसका काम क्या था, ब्राह्मण में तो पूजा पाठ कराने का काम था, लेकिन वो अपनी गरीबी के कारण वो लोहार का काम सीखता भी है और बकायदा अच्छे से उसको कुशलता पूर्वक करता भी है। जिस प्रकार से लोहे को गलाकर क्या है, गहने बनाए जाते हैं, एक से एक सुंदर सुंदर डिजाइन के बनाए जाते हैं, तो वैसे ही ये अपना जो मोहन है अपनी परिस्थिति के अनुसार, मतलब इतना मेहनत करता है, मतलब हर क्षेत्र में वो कुशल होता है, वो अपना इतना मेहनत करता है कि वो अपनी पहचान खोकर एक नया, बोलते हैं ना जैसे सोना गलकर चमकने लगता है, वैसे ही वो इतनी मेहनत करता है कि वो हर काम में वो दक्ष हो जाता है, ठीक है। मोहन वाकई में था कौन, मोहन एक बहुत कुशल, मतलब बहुत होशियार एक ब्राह्मण विद्यार्थी था, और वो क्या करता था, वो स्कूल में मॉनिटर था, जैसे प्रार्थना होती थी तो वो वही प्रार्थना करवाता था, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर कक्षा में मास्टर जी अगर कुछ प्रश्न बच्चों से पूछते थे और कोई बच्चा अगर उसका जवाब नहीं भी देता था, तो वो आखिर उम्मीद करते थे कि वो मोहन जरूर बताएगा, लेकिन मोहन क्या करता था, वो मतलब बकायदा अच्छे से पूरा सही सही आंसर बताता था, तो मास्टर जी भी उसको बहुत पसंद करते थे, सबका चहेता भी था, ठीक है। इस प्रकार से ये गलता लोहा मोहन के ऊपर फिल्माया गया है, मतलब कहानी लिखी गई है, और इस कहानी का नायक अपना कौन है, मोहन है। चलिए अपन शब्दार्थ देखते हैं। अब देखिए शब्दार्थ में अनायास यानी बिना प्रयास के, शिल्पकार कौन होता है, कारीगर होता है। अनुगुंज यानी प्रतिध्वनि, निहाई लोहे का वह कठोर ठीहा जिस पर गर्म लोहे को रखकर हथौड़े से पीटकर आवश्यकता अनुसार मन माफी आकार प्रदान किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए हसुआ क्या होता है, हसिया आप देखते हो ना फसल में, या घास काटने के औजार होता है ना, आप देखे होंगे ना, ये देखो इस शेप का होता है ना,
ये शेप का रहता है लोहे का रहता है, और यहाँ पे क्या पत्ता रहता है लकड़ी का, है ना ये, और इससे क्या कहते हैं, ये इस शेप का होता है हसिया, है ना, ठीक है, ये शेप का होता है, और यहाँ पे ये क्या है पकड़ने का लकड़ी का हत्ता होता है, यहीं से पकड़ के क्या इससे घास वगैरह खेती में जो अपन पेड़ पौधे लगते हैं लगे होते हैं ना, घास वास है उसको काटा जाता है, हसिया बोलते फसल या घास काटने का औजार, ठीक है, या दराती भी बोलते हैं उसको, बूते बूते यानी वश या दम, यजमान यजमान यानी पूजा पाठ कराने वाला पुरोहित, ठीक है, पुरोहिताई, ठीक है, जिसको हम पुरोहित भी बोलते हैं, ठीक है, जो धार्मिक कृत कराने वाला, पूजा पाठ कराना, ये सब उसका व्यवसाय होता है पंडित का, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं पुरोहिताई, ठीक है। अब देखिए निष्ठा, निष्ठा मतलब श्रद्धा विश्वास, निःश्वास यानी गहरी सांस लेना, जर्जर जर्जर यानी कमजोर, जो विनष्ट होने की करीब हो, जर्जर मतलब जैसे अपन कोई बिल्डिंग को देखते हैं ना, बोलते इमारत को देखते हैं, बोलते हैं ये बहुत जर्जर हालत में है, यानी वो कभी भी नष्ट हो सकती है, कभी भी दे सकती है ना, पूरी तरह से बर्बाद, यानी वो बिल्कुल क्या है जर्जर हालत में, बोलते हैं जर्जर हालत में है, यानी वो पूरी तरह से कभी भी नष्ट हो सकती है। रुद्रीपाठ, रुद्रीपाठ यानी भगवान शंकर की आराधना में मंत्र पाठ किया जाता है, उसी को रुद्री पाठ किया जाता है, उसी को बोलते हैं। कुंद, कुंद यानी धार विहीन, ढोकड़ी यानी लुहार या सुनारों के उपयोगार्थ बनी भट्टी की आग को दहकाने के लिए लोहे या बांस की नली, ढोकड़ी किसे बोलते हैं, एक प्रकार का ये पाइप जैसा होता है, चाहे वो लकड़ी का हो या लोहे का हो, उसको ढोकड़ी बोलते हैं, और जब चूल्हे को जलाते हैं या फिर जो लोहार है उसकी जो भट्टी होती है उसमें हवा डालने के लिए जो खोखला पाइप रहता है ना मुंह से, उसको ना क्या कहते हैं हवा डालते हैं, हवा फेंकते हैं ताकि आग क्या है थोड़ा सा फैले फैले, यानी अगर आग एकदम कम हो गई है तो हवा डालने से क्या होता है, हवा करेंगे तो वो क्या है आग फैलेगी और थोड़ा सा तेज जलने लगेगी, ठीक है, उसी को ढोकनी बोलते हैं। अब देख कनिस्तर, कनिस्तर यानी टीन का चौकोर टीपा, आप लोग देखते हो ना तेल का टीना देखे हो ना, उसी को कनिस्तर बोलते हैं। धमा चौकड़ी यानी उछल कूद करना। संवेद एक साथ या सामूहिक। कुशाग्र यानी तीक्ष्ण या तेज। संटी यानी छड़ी। प्रतिद्वंदी यानी मुकाबला करने वाला, विपक्षी या विरोधी। मॉनिटर यानी नायक। घोटा लगाना यानी रटना, अपन बोलते हैं ना रट्टा मार रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसको बोलते हैं घोटा लगाना, ठीक है। धन यानी बड़ा व भारी हथौड़ा। विरासत पुरखों से प्राप्त ज्ञान, ठीक है, या संपत्ति, अपन बोलते हैं विरासत में मिला है संपत्ति, है ना, तो यानी पुरखों से मिला है, माता पिता दादा दादी उन लोगों से मिला, उनको बोलते हैं पुरखों से मिला हुआ धन ज्ञान संपत्ति, ये सब है ना, ठीक है। अब देखिए संपत्ति आदि पैतृक यानी माता पिता संबंधी। विद्या व्यसनी पढ़ने में रुचि रखने वाला, ठीक है। रेला, रेला यात्रा, रेला मतलब क्या होता है समूह, जैसे बोलते हैं ना समूह झुंड, है ना, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं उसको बोलते हैं रेला, ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक साथ से जमा हो जाना। अब देखिए हाथ बटाना सहयोग करना। मुद्दा यानी विषय। सेक्रेटरियल मतलब सचिवालय। भूटीहीन जिसमें कोट कभी ना हो, भूटीहीन यानी जिसमें कोट कभी ना हो। सुघड़ सुंदर आकार वाला। हस्तक्षेप यानी दखल देना, दखल है ना। आवाक यानी चकित शब्दहीन, जैसे आवाक जैसे हमने किसी को कुछ बोल दिया तो उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ बोल भी सकता है, आवाक यानी वो एकदम व्यक्ति एकदम शून्य हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले, एकदम चुप, है ना, तो उसको बोलते हैं आवाक, यानी उसको बोलने के लिए शब्द ही नहीं रहता है, एकदम आश्चर्य से, है ना, आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आता है, उस समय बोलते हैं उसको आवाक हो गया, है ना। शब्द विहीन
ठीक है। हाँ अब देखिए, सर्जक यानी रचनाकार, स्पर्धा यानी फोड़, स्पर्धा यानी अपन बोलते हैं ना स्पर्धा हो रही है, प्रतियोगिता हो रही है, फोड़ लगा रहा है, ठीक है, समझ में आया? हेलो। यस मैम। हाँ तो अपन का लेखक का जीवन परिचय हो गया है ना, ये गलता लोहा है, गलता लोहा किसके ऊपर लिखा गया है, गरीब तबके के लोगों पर हमारे जो लेखक है उन्होंने कहानी लिखी है, और इस कहानी का नायक कौन है, मोहन। मोहन कौन है, एक गरीब ब्राह्मण है जो कि बहुत होशियार विद्यार्थी है, बहुत अच्छा विद्यार्थी है, वो अपनी मजबूरी के कारण क्या करता है, ब्राह्मण होते हुए भी वो लोहार का काम सीखता है और उसमें कुशल भी हो जाता है, ठीक है, और वो स्कूल में भी काफी अच्छा होनहार छात्र था, और वो अपने मास्टर का तो चहेता तो था ही, क्योंकि वो स्कूल की प्रार्थना भी वो कराता था, और जब कोई भी मतलब मास्टर जी कुछ भी क्वेश्चन पूछते थे, जब सारे विद्यार्थी कुछ जवाब नहीं दे पाते थे, तो मोहन क्या है मास्टर जी के क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सटीक देता था, और उस क्वेश्चन के आंसर को सुन के मास्टर जी भी क्या है संतुष्ट हो जाते थे, और उम्मीद करते थे कि जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसका जवाब वो जरूर देगा, लेकिन वो क्या था हमेशा देता ही था, यानी वो बहुत कुशल बहुत होनहार विद्यार्थी था, ठीक है। ये अपन का लेखक का जीवन परिचय हो गया, अब उसके बाद शब्दार्थ भी हो गया, अब अपन क्या कहेंगे क्वेश्चन आंसर भी कल करेंगे हम, ठीक है बेटा? ओके मैम। हाँ चलो। यस। कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? नो मैम। हाँ चलिए चलिए, क्लासेस ओवर। थैंक यू मैम। ओके।